प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ इंडिया की उपाधि मिलने से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को जाहिल बताया। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप को महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता, गांधी जी को पिता की उपाधि हासिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी दूसरी मुलाकात मंगलवार को हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ने मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फादर ऑफ इंडिया तक कह दिया। हालांकि उनके इस उपाधि दिए जाने पर अब देश में विवाद बढ़ गया है और विपक्षी दलों के नेता ट्रंप के बयान की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अमेरिकी पॉप सिंगर और सुपरस्टार एल्विस प्रेस्ली से किए जाने पर ओवैसी ने कहा कि एल्विस प्रेस्ली गायक थे, हमारे प्रधानमंत्री भी मजमा जमाते हैं और इस दोनों में कनेक्शन है। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता, गांधी जी को पिता की उपाधि हासिल है, मोदी कभी भी राष्ट्रपिता नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा मुल्क है लेकिन मोदी ने इसे हैफनेट कर दिया, ये इनकी नाकामी है। आज भारत पाकिस्तान को एक साथ देखा जा रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के लिए इसे गर्व का विषय बताया। अगर किसी को इस पर गर्व नहीं होता तो हो सकता है कि वो खुद को भारतीय नहीं मानता हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। निखिल कुमार के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी .com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।